सभी लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। उन्हीं इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर एक बार चर्चा करते हुए ये चीज आप ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी वो की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सेकंड जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक वो था पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन के बाद सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में हमने दो धर्मों को पढ़ा, एक तो जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। अब एक दो तीन चार और पांच चीजों को कवर कर जब पूरी तरीके से हम उस समय के वर्तमान में आकर खड़े हो जाते हैं तो एक ऐसी क्रांति उद्घटित होती है जिस क्रांति के कारण उसे एक बार पुनः द्वितीय नगरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो भारत के इतिहास की शुरुआत होती है नगरों से। तो चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा का पूरा जो खड़ा था वो नगरों पर खड़ा था तो शुरुआत होती है नगरों से। नगरों से व्यवस्था यहाँ ग्रामीण, फिर ग्रामीण, और अब सामाजिक धार्मिक सुधार हो जाने के कारण अब जो व्यवस्था होगी वो किस तरीके से एक बार पूरे नगरों में तब्दील हो गई उस पर पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अगर सवाल आए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम नगरीय क्रांति है तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय नगरीय क्रांति है तो आपका आंसर होगा 16 बड़े महाजनपदों का उदय। तो पहली बार भारत के अंदर जो अर्बनाइजेशन हुआ वो हुआ कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व। सेकंड अर्बनाइजेशन हमारा 600 ईसा पूर्व के आसपास उद्घटित हुआ और यहीं से प्राचीन भारत के इतिहास के इस टॉपिक को पूरी तरीके से ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक काल इसलिए भी क्योंकि यहाँ जो दस्तावेज होंगे वो तीनों रूपों में प्राप्त होंगे, चाहे वो एक्सकेवेशन के दौरान यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, चाहे वो लिटरेचर के दौरान और चाहे वो फॉरेन स्टेटमेंट के दौरान, विदेशी विवरण के द्वारा। तो यहां तीनों प्रकार के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरणों का भरमार है। तो यहीं से इस काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है। इससे पूर्व का जो काल था वो पूरी तरीके से हमारा उस इतिहास के अंदर चला जाता है जब लिपि और अक्षर है लेकिन लिपि और अक्षरों को पढ़ा नहीं जा सका। तो लेखन कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से तीन प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण किया गया था। ये सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन इज महाजनपदास। अब बात करेंगे कि ये द्वितीय नगरीय क्रांति उद्घटित कैसे हुई, क्या वो कारण थे, और उन सारे कारणों पर चर्चा करते हुए बात करेंगे एक मैपिंग के माध्यम से कि कहां वो 16 बड़े महाजनपद लोकेट होते हैं और किस तरीके से उनके अंदर वाणिज्य व्यापार फला फूला था। 16 बड़े महाजनपदों को पढ़ने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि द्वितीय नगरीय क्रांति, इस शब्द पर हम लोग शायद ज्यादा डिबेट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नगर पूरी तरीके से हम सभी लोग परिचित है कि नगर किसे कहा जाता है। हाँ, अगर एक शब्द आए क्रांति तो इस पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी व्यवस्था का तख्ता पलट क्रांति होती है, वर्तमान व्यवस्था में सुधार, वर्तमान व्यवस्था में सुधार पूरी तरीके से आंदोलन होता है, अपने हक हुकूक के लिए उठाई गई आवाज विद्रोह होता है। इसलिए 1857 को इनमें से जब नाम दिया जाता है तो 1857 का विद्रोह कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है और किसी भी चीज, किसी भी व्यवस्था का तख्ता पलट पूरी तरीके से क्या कहलाती है, क्रांति कहलाती है। समझिएगा किस तरीके से। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम लोगों ने अपने इतिहास की शुरुआत की, दैट मीन्स कि जब भारत ने अपने इतिहास की शुरुआत की तो उसने अपने भारत के इतिहास की शुरुआत की नगरों से। और ये बड़े बड़े नगर खड़े कहां थे, किस सभ्यता में, सिंधु। ठीक, नगर खड़े कर चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में
उसके बाद जो व्यवस्था आई वो पूरी तरीके से क्या हो गई, ग्रामीण। तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार होने तक, यानी कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलोसफी आ रही है सोसाइटी के अंदर और उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, तब तक पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसका तख्ता पलट होकर वो ग्रामीण हो गई, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब पूरी तरीके से तख्ता पलट करके फिर एक बार पुनः नगरों की ओर अग्रसर हो गई। इसी अर्बनाइजेशन होने के कारण इस काल को, जिस काल की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस काल को पूरी तरीके से कहा गया द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज महाजनपदास। तो 16 बड़े महाजनपदों का उदय होना मतलब एक और नगरों की ओर जाना था। नगरों की ओर जाने के कारण क्या रहे उन पर चर्चा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से हम लोग किस तरीके से फिर नगर की ओर आ गए, एक वो व्यवस्था है। क्या बौद्ध और जैन धर्म के उदय होने के कारण पूरी तरीके से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था नगरीय व्यवस्था में तब्दील हुई थी? मतलब अगर इस चीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो फिर सवाल यहां से उठ खड़ा होगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से हाँ, और इसका उत्तर भी हाँ के रूप में ही आएगा। अगर जैन और बौद्ध धर्म ना आते तो क्या द्वितीय नगरीय क्रांति संभव हो पाती? यूपीएससी इस तरीके के सवाल करता है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या नहीं होता। तो मतलब समझिए कि इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम तो फिर आपको उस सारे के सारे चीजों के कारणों पर जाना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको इतिहास में कुछ भी रटने का काफी शेष बचा होगा। तो नगरों से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, तब से लेकर आज तक की व्यवस्था एज इट इज है। और अब जो वर्तमान में व्यवस्था खड़ी है कि एक और सेंटर में तो चला जाता है नगर, लेकिन इस नगर के आसपास कई बड़े ग्रामीण समुदाय खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर 21वीं सदी को हम पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता ही कहेंगे, भले ही उसमें ग्रामीण क्षेत्र आकार में छोटे छोटे होकर संख्या में नगरों से ज्यादा क्यों ना। तो मतलब ये व्यवस्था ग्रामीण है और ये सेंट्रल मार्केट जो है इसकी वो पूरी तरीके से नगरों में तब्दील। ये कैसे तब्दील हुई, क्या वो कारण थे, वो सारे के सारे चर्चा आज इस टॉपिक में करने वाले हैं। अगर आर्य द्वारा लोहा ना लाया जाता तो क्या यह नगरीय क्रांति संभव थी, ऐसा सवाल पूछती है यूपीएससी। बट आप अगर यूपीएससी से निम्न स्तर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहली बार लोहे का इस्तेमाल करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके आर्य। आर्य भारत के अंदर एक चीज लेकर आए लोहा, आर्यों के द्वारा भारत के अंदर एक चीज दी गई वर्ण व्यवस्था, और उत्तर वैदिक काल में एक और व्यवस्था ने जड़े जमाई, ज्योति, ज्योति जाति व्यवस्था। अब समझिए कि अगर इस जाति व्यवस्था का पॉजिटिविज्म आप देखेंगे, सकारात्मकता में से देखेंगे, तो यह आपको उस अनुरूप दिखाई देगी कि कैसे 16 बड़े महाजनपदों के उदय होने में इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। देखिए किस तरीके से आधारभूत संरचना पर खड़ा है वो वर्ग जो मजदूर है, और वो भी कौन सा मजदूर, किसान मजदूर। इसके ऊपर की एक व्यवस्था खड़ी है व्यापार की, इसके ऊपर खड़ा है शासन करने वाला, और इसके ऊपर खड़ा है पूरी तरीके से आपका एक वो वर्ग जिसे पुरोहित कहा जाता है। जाति व्यवस्था में तब्दील समाज, तो एक जाति लोहार भी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब अगर लोहा आया और लोहे के आने के कारण खेती के जो उपकरण हैं, हल, हसिया या दांती या वो सारे उपकरण जो पूरी तरीके से कृषि कार्यों में लगते हैं आदि, अगर वो अच्छे और व्यापक पैमाने पर बनने लगे, तो इस हल से जो निर्मित है लोहे से, उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा,
तो किसान मजदूर फले फूलेगा, अगर यहाँ प्लस तो व्यापार की प्लस, व्यापार प्लस तो टैक्सेशन पॉलिसी प्लस, टैक्सेशन पॉलिसी प्लस तो शासन सत्ता में विस्तार। शासन सत्ता में विस्तार किस वजह से हो रहा है? नियम कायदे कानूनों से। तो नियम कायदे कानून भी बेहतरीन, शासन करने वाले लोग भी अच्छे, व्यापार करने वाला वर्ग भी अच्छा, और किसान मजदूर भी वापस उन स्थितियों में लौट गया जिन स्थितियों ने इन्हें पूरी तरीके से वापस खींच लिया था, और वो था सोसाइटी में घनघोर असमानता। महावीर और बुद्ध ने अगर कुछ भी नहीं किया सोसाइटी के अंदर, तो एक परिवर्तन यह किया कि सोसाइटी को एक चीज वो देकर गए, एक तो था सोसाइटी का वो रंग जो अहिंसात्मक हो गया, और एक पूरी तरीके से एक चीज जो उद्घटित हुई थी असमानता, वो किसमें तब्दील हो गई? समानता। अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो किसान वापस अपने खेत के अंदर क्या हो गया, इस प्लॉट के अंदर वापस चला गया। अब इस प्लॉट के अंदर जब ये वापस चला गया तो उपज क्या होने लगी? अच्छी खासी होने लगी। उपज अच्छी खासी होगी तो आड़ती जो बैठा है मंडी के अंदर उसका भी फलने फूलने का साधन कहीं ना कहीं किससे? किसान मजदूर से। उपज अच्छी तो किसान फलने फूलने लगा, फलने फूलने लगा तो व्यापार और शासन और पुरोहित। और ये कब हुआ? जब जाति व्यवस्था में इस लोहार के कारण इस हल को, इस हसिया को, इस दाती को, इस कुल्हाड़ी को पूरी तरीके से निर्मित कर दिया गया। तो अगर लोहे का निर्माण ना होता तो शायद फिर व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वर्तमान में उस समय देखने को मिली। अब यही उपज पूरी तरीके से वाणिज्य व्यापार को इतना घनघोर तरीके से फैला देगी चारों ओर कि एक ग्रामीण समुदाय तब्दील होकर एक बड़ी मार्केट के रूप में क्या होगा, उठ खड़ा होगा। तो ये कारण हो सकता है कि लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब लोहे ने भूमिका जहां अदा की उसे भी समझें, ये कुछ भारत का मैप है इस तरीके से, ठीक। आर्यों का जो निवास स्थान था वो बना सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि ये एरिया। ये जो क्रांति उद्घटित हुई थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वो मगध साम्राज्य। जब यहां की व्यवस्था का विस्तार यहां तक हो सकता है तो यहां किया गया प्रचार प्रसार का विस्तार भी कहां तक हुआ? सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये इस बीच जितना भी एरिया था भारत का, ये पूरी तरीके से ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे नगरों की ओर एकत्रित होने लगा। छोटे छोटे नगर जब पूरी तरीके से एकत्रित होकर समावेश हो गया उनका, और जब वो पूरी तरीके से नगरों के रूप में खड़े, तो नगरों के रूप में भी उस तरीके से खड़े हुए कि सिकंदर जैसे आक्रमणकारी को भी पूरी तरीके से इन लोगों ने यहां लाकर खड़ा कर दिया। तो सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यों का सारा तामझाम मगध तक, और मगध से जितना भी बीज बोया गया दार्शनिक फिलोसफीज में, वो सारा का सारा कहां से कहां? ये पूरा का पूरा गंगा से लेकर यमुना घाटी तक। तो दोआब के इस क्षेत्र में घनघोर जंगल होने के कारण मार्केट्स का खड़ा होना उचित नहीं था, इसलिए लोहे ने वो क्रांति की कि कुल्हाड़ी को जन्म दिया, और कुल्हाड़ी के जन्म होने के उपरांत पूरी तरीके से इसी कुल्हाड़ी ने गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्रों को साफ कर उन बड़े विराट नगरों को खड़ा किया जिन्हें द्वितीय नगरी क्रांति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये वो लोकेशन होगी जहां पूरी तरीके से उपद्रव मचा होगा इस कुल्हाड़ी का, और इस कुल्हाड़ी ने वो सारे पेड़ गिरा दिए जो गंगा और यमुना के अवसाद के द्वारा लाए गए बीजों के द्वारा बस कहीं ना कहीं बो दिए गए। तो इसी कुल्हाड़ी, इसी लोहे ने, इसी वर्ण व्यवस्था के पॉजिटिविज्म ने, इसी जैन और बौद्ध धर्म ने जिसमें अहिंसा व्याप्त थी, जिसमें समानता का भाव था, उन सारी व्यवस्थाओं ने कुल मिलाकर चारों तरफ से सोसाइटी को उस तरीके से घेर लिया
कि सोसाइटी अब अपने पुराने स्वरूप में न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से तब्दील होकर चली गई कहां, नगरों की ओर। तो यही वो लोकेशन होगी जहां पूरा का पूरा तामझाम खड़ा होगा, जिसे 16 बड़े महाजनपदों के रूप में जाना जाता है। तो द्वितीय नगरी क्रांति के वो कारण जिनकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहला कारण ये था कि शासक वर्ग का उदय हो चुका है। अभी तक हमने किसी राजा रानी के इतिहास की शुरुआत नहीं की है, मतलब किसी राजा के रूप में या रानी के रूप में हमने किसी को पढ़ा नहीं है। अभी तक केवल हम चीजों को पढ़ रहे हैं किस तरीके से, कि इंडस वैली में कुछ ये हुआ, वैदिक में कुछ ये हुआ, उत्तर वैदिक में कुछ ये था, या जैन और बौद्ध धर्म के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं घटित हुई। तो कुल मिलाकर शासक वर्ग जो था अब वो उभर कर आने लगा, और इसका सीधा सीधा कारण ये था, शासक वर्ग तब तक नहीं उभर सकता जब तक किसी भी सभ्यता में वाणिज्य और व्यापार ना हो, क्योंकि अगर व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की वो टोली भी कहीं ना कहीं शासन के मूलभूत नियमों को क्या करेगी, आयाम देगी, जिसके माध्यम से शासन को गतिशील और संचालित किया जा सके। तो बड़े पैमाने पर शासकों का उदय होने लगा था इस द्वितीय नगरी क्रांति के सबसे प्रमुख कारणों में, कि शासक वर्ग का उदय। नंबर दो, धर्म का प्रचलन जैन और बौद्ध के रूप में या आजीवक जैन और बौद्ध के रूप में या उन 62 बड़े संप्रदाय के रूप में धर्मों का कुछ इस तरीके से प्रचलन होने लगा कि उन धर्मों ने पूरे के पूरे समाज को क्रांति तक लाकर खड़ा कर दिया। इमारतों का अस्तित्व, बड़ी बड़ी इमारतें तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक आपने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल ना किया हो। और अगर आप द्वितीय नगरी क्रांति से कह रहे हैं तो नगरों की खास विशेषता यह होती है कि वहां सभी चीजों का जो निर्माण होता है वो पकी ईंटों से होता है, पकी ईंटों से। और ईंटों को अगर आप पका रहे हैं तो एक बार पुनः आप कहां जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर। तो बड़ी बड़ी इमारतों का अस्तित्व में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करनी या करनी लोहे के उन उपकरणों का बड़े पैमाने पर व्यापक पैमाने पर वो वैज्ञानिक वाद या वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ जिसके माध्यम से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से क्या किया जा सकता था, एज इट इज रखा जा सकता था। तो आज एक राजमिस्त्री के हाथ में जो करनी है वो शायद उसे पता नहीं कि वो कितने साल पुरानी है, और वो आज से लगभग 3000 साल पुरानी व्यवस्था का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो चीजें डेवलप ना होती, करनी है, बसोली है, तसला है, वो सारी चीजों ने क्या कर दिया, उन इमारतों में अपना योगदान और अस्तित्व को निभाया जो इंडस वैली के लोगों ने शाहूल का प्रयोग करके किया था। अभी तक सोसाइटी बार्टर सिस्टम पर चला करती थी, गेहूं वाला चावल वाले के पास जाता है, चावल वाला जौ वाले के पास जाता है, जौ चावल, चावल मक्का, मक्का बाजरा, तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था। मतलब मेरे पास चावल है और मैं चावल की बोरी लेकर भैया होम टू होम चला कि भैया किसी के पास गेहूं है क्या, अब किसी ने कहा कि नहीं है, किसी ने कहा कि हाँ हमारे पास है, तो मैंने कहा भाई गेहूं दे दो और चावल ले लो, उसने कहा कि गेहूं तो है लेकिन चावल की आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्याज चाहिए। अब मुझे एक आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो प्याज बोता हो या उगाता हो। अब भैया ये दिक्कतें जब थी बार्टर सिस्टम में इस तरीके की, भले ही हमने मंडी खड़ी कर दी थी लेकिन उसका अस्तित्व ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तो मुद्रा ने हमारे बीच में वो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया कि हम एक प्रकार की मुद्रा का क्या करते हैं, निर्माण, और इसी मुद्रा के बदले क्या कर सकते हैं, सारी की सारी चीजों का आदान और प्रदान। ज्यादा मुद्राओं का संचय तो भौतिकवादी फिलोसफीज की ओर, यानी कि जीवन कहा जाएगा भौतिकवादिता की ओर, और भौतिकवादी विचारक कहाँ बैठे हैं, नगरों में। तो नगर फलते फूलते ही किसके कारण, इस भौतिकवादिता, और भौतिकवादिता को लाकर किसने खड़ा किया, इस बार्टर सिस्टम से जो ये मुद्रा आ गई लोगों के हाथों में, इसने वाणिज्य व्यापार फलना फूलना ही था, क्योंकि अब कोई भी आपको हिंसात्मक रूप से सता नहीं सकता, और सता नहीं सकता तो मतलब खेतों में मजदूर अगर एक और लौट जाए
और खेतों में बस ये हो जाए कि पूरी तरीके से किसान फल ले फूल ले लगे, तो कहीं ना कहीं वो मंडियां जिसमें पूरी तरीके से वाणिज्य व्यापार होता है वो भी फलने फूलने लगेंगी। तो सारी व्यवस्था जो इंडस वैली के थे कि मनोरंजन के सारे साधन कहाँ जुटेंगे, फिर उन्हीं नगरों की ओर, उन्हीं मंडियों की ओर, उन्हीं पीठों की ओर जहाँ वो पूरी तरीके से हर दिन एक निश्चित समय में लगती हो। तो रिक्शा वाला भी वहां चाहिए होगा, बिल्कुल। वहां मजदूर वर्ग भी चाहिए होगा, बिल्कुल। व्यापारी के खान पान के लिए रेस्टोरेंट चाहिए होंगे, बिल्कुल। व्यापारियों के पहनावे के लिए आपको एडिडास चाहिए होगा, आपको पूरी तरीके से रिबॉक या नाइके चाहिए होगा। तो मतलब कुल मिलाकर वो सारी व्यवस्थाएं एज इट इज उठ खड़ी होकर आ गई किस ओर, नगरों की ओर, और यहीं से वाणिज्य व्यापार फलने फूलने लगा। लेखन कला के प्रचार हो जाने के कारण अब लोगों को समस्या ये नहीं थी कि वो किस तरीके से लोगों को समझाए। तो जब सबकी समझ में सारी चीजें आने लगी तो लेखन कला ने भी पूरी तरीके से नगरों को स्टेबल कर दिया और अब सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड के माध्यम से हमने रखना शुरू कर दिया। कर व्यवस्था टैक्सेशन पॉलिसी इजाद हो गई, और ये टैक्सेशन पॉलिसी इसलिए इजाद की जाती है ताकि भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू किया जा सके। मतलब जिस राज्य के अंदर आप प्रजा के रूप में रहते हैं, उस राज्य के अंदर उस राजा ने कहा कि भैया अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दो, मैं तुम्हारे इस हिस्से को तुम्हारे आधारभूत संरचना में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट किस रूप में, कि मैं तुम्हें पक्की नालियां बनाकर दूंगा, मैं तुम्हें पक्की सड़कें बनाकर दूंगा जिसके दौरान तुम अपने सारे के सारे बैलों को उस ओर ले जाकर अपने कहीं ना कहीं वाणिज्य व्यापार पर इन नगरों तक जा सकते हो। तो मतलब कुल मिलाकर सारी की सारी चीजों ने एक ऐसा आयाम खड़ा कर दिया जिसके कारण द्वितीय नगरी क्रांति क्या हो गई, खड़ी हो गई। तो टैक्स सरकार इसलिए लेती है ताकि वो बड़े हाईवेज का निर्माण कर सके, इसलिए नहीं लेती कि वो आपके लिए वो अपनी जेब भर सके। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन टैक्स लेने का एकमात्र कारण यही है कि वो एक ऐसे समाज का, एक ऐसे राज्य का निर्माण कर सके जो लोगों को मूलभूत सुविधा दे सके। इस टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगा, इन नगरों में बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, इन बड़े बड़े अस्पतालों में चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी उन लोगों को जो नगरों तक जाते हैं। तो मतलब जब सारे के सारे जीवन की आधारभूत चीजें ही नगरों में खड़ी होंगी तो ग्रामीण बस्तियां ट्रेवल करते हुए नगरों की ओर चली जाती है। अगर मेरे खुद का गाँव जो है 50 किलोमीटर दूर है मेरे नगर से, जिसे मेरा शहर कहा जाता है, और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि मुझे जाना पड़े नगरों की ओर, तो मुझे भी मतलब मजबूरन वहां तक जाना पड़ेगा। तो समझिए कि उस समय जब ईसा मसीह ने जन्म नहीं लिया, उससे 600 साल पहले की जो व्यवस्था होगी नगरों की वो किस तरीके की होगी, और इसी टैक्सेशन पॉलिसी से ये नगर किस तरीके से खड़े किए गए होंगे। वैज्ञानिक प्रगति इसलिए भी क्योंकि जो धर्म अभी आए थे वो वैज्ञानिक वाद पर ही खड़े थे, और वैज्ञानिकता तब तक नहीं आ सकती मनुष्य के अंदर जब तक वो तर्कशील ना हो। तो बुद्ध और महावीर ने लोगों को तर्क करना सिखाया और इन्हीं तर्कों को वैज्ञानिक प्रगति के रूप में क्या कहा गया, उन व्यवस्थाओं में वो निर्माण कहा गया जिसने पूरी तरीके से सारी की सारी चीजों को नगरों तक ले जाकर खड़ा कर दिया। उत्पादक वर्ग की प्रधानता, मैंने कहा कि सारा का सारा समाज जैन और बौद्ध धर्म के आने से क्या हो गया, वापस अपने संकुल, अपने निकाय, अपनी बस्ती में लौट गया, बस्ती कह रहा हूं, अपने खेतों में लौट गया। और अपने खेतों में लौट जाने के कारण अब जहां एक क्विंटल का वेगा निकलता है गेहूं का, वहां वो 4 क्विंटल का वेगा देता है और 1 क्विंटल अपने लिए संरक्षित कर पूरे साल के खाना योग्य 3 क्विंटल को भेज देता है मंडी में। अगर खुद वो 1 क्विंटल उगा रहा था तब तक और किसी धराड़े वर्ग के द्वारा उसके 3 क्विंटल को बस खपत कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था, तो वो खेत में क्यों काम करेगा, वो तो घर काम करेगा, ठीक। तो मतलब कुल मिलाकर जो उत्पादक वर्ग था वो पूरी तरीके से अपने खेतों की ओर लौट गया, और खेतों की ओर लौटने से आधार व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि ऊपर के तीनों वर्ण व्यवस्थाओं में इतनी अच्छी खासी प्रगति कि उस प्रगति के कारण पूरी तरीके से वो निर्माण हुआ सोसाइटी का जिसने एक बार पुनः ग्रामों को काला कर खड़ा कर दिया इन नगरों की ओर, और यही बड़े नगर कहलाए 16 बड़े महाजनपद।
तो अगर ये चीज समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग के अंदर कुछ फॉर्मेट रख लें कि एक भी चीज अगर लोहा भी आया तो उसका भी एक अलग महत्वपूर्ण रोल है, वर्ण व्यवस्था का भी एक अलग महत्वपूर्ण रोल है, जैन और बौद्ध धर्म का भी एक अलग महत्वपूर्ण रोल है, और जब तक आप वैज्ञानिक नहीं होते शायद तब तक किसी भी चीज का निर्माण पॉसिबल नहीं होता। तो यही वो 16 बड़े महानगर थे या महाजनपद थे। एक कहानी इसकी भी ले लो कि अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे महा प्लस जन प्लस पद, आज जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है एक जिले के रूप में, और अगर महा कर देंगे जिले को तो वो चला जाएगा आपका मंडल के रूप में। तो उस समय कुल 16 बड़े मंडल खड़े हुए थे किस ओर, नगरों की ओर, और यही 16 बड़े नगर भारत की राजनीति के आयामों को शुरुआत देते हैं, मतलब एक शुरुआत करते हैं उन राजनीति के आयामों की, यही महाजनपद। तो ये जन, ये पद, ये महा, तो महा मतलब ग्रेट यानी कि बड़ा, एक मंडल का रूप। जन जिसका प्रमुख कौन होता है, राजन, जो एक राजनीतिक इकाई थी आपकी वैदिक सभ्यता में वो, और उसके बाद पद जोड़ देने से जनपद एक जिले के रूप में, और अगर दो तीन चार जिलों को मिला दिया जाए तो महाजनपद। तो ऐसे कुल 16 बड़े महाजनपद थे। मैपिंग के रूप में देखेंगे तो सबसे अपर मिलेगा कंबोज और सबसे नीचे पड़ेगा आपका अश्मक। तो कंबोज और अश्मक के बीचों बीच यहां से जब आप यहां जाएंगे तो तब देखेंगे कि इस बीच जितना भी खड़ा हुआ ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा 16 बड़ी मार्केट्स के रूप में खड़ा हुआ था। कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, सूरसेन, पांचाल, चेदी, अश्मक, वात्स, कौशल, काशी, मगध, अंग, मल और वज्जित, इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे मार्केट्स वो खड़ी हुई गंगा और यमुना के क्षेत्रों में। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये आपका गंगा और यमुना का क्षेत्र है, और गंगा और यमुना क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो जाने से, लोहे के निर्माण से कुल्हाड़ी आ जाने से व्यापक पैमाने पर जो कटाई हुई थी उसी कटाई ने इन बड़े महाजनपदों को जो उदय होने की स्थिति प्रदान की वो थी गंगा यमुना मध्य घाटी, या गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दो आब। आब मतलब नदी होता है और दो मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, इसीलिए पंजाब को पंज प्लस आब कहा जाता है। पंज आब, पांच नदियों का जो क्षेत्र होता है वही आपका पंजाब है। दो आब का मतलब नदी, और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था इसी में सारे के सारी मार्केट्स खड़ी हुई थी। इसी सैंधव प्रदेश की वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जो बदला वो अब मध्य गंगा घाटी तक चला गया, क्योंकि इंडस वैली से भी जो लोग अपने स्थलों को छोड़कर आए थे वो गंगा और यमुना के क्षेत्रों में आकर बसे थे, और वहीं अपनी कार्य कुशलता और वैज्ञानिक वाद के कारण पूरी तरीके से सुव्यवस्था में रहते हुए जैन और बौद्ध धर्म के आ जाने से, उसका प्रचार प्रसार हो जाने से ये सारा का सारा सिस्टम 16 बड़े महाजनपदों के रूप में क्या हुआ, खड़ा हुआ। तो अभी आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल इनकी राजधानियों को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझना हो कि चीजें घटित क्यों हुई हैं तो फिर आपको पहले जो 9 या 10 कारण बताए थे उन 9 या 10 कारणों में अपने मौलिकता के कई कारणों को जोड़ते हुए अपने आंसर राइटिंग को ऐसा आयाम दे कि पढ़ने वाले को लगे कि कुछ लिखा गया है, और समझने वाले को या समझाने वाला जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो वो समझा रहा है वो बहुत ही सटीक और एक महत्वपूर्ण तर्कों के आधार पर चीजों को समझा रहा है। तो यूपी पीसीएस या हिमाचल पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि 16 बड़े महाजनपदों के उदय में लोहे का क्या योगदान था। तो आप इस पर 200 या 2000 शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। यही 16 बड़े महाजनपद जो थे उस समय खड़े हुए, यहीं से भारत के अंदर राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हुई, क्योंकि इन 16 बड़े महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उसी को मगध साम्राज्य का रूप दे दिया गया है।
तो मगध साम्राज्य से ही भारत के राजनीतिक इतिहास की क्या हुई, शुरुआत हुई। यहीं से हर्यक डायनेस्टी खड़ी होगी, हर्यक वंश खड़ा होगा। तो राजा रानियों का इतिहास शुरू होगा इस मगध साम्राज्य से। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे आप, और इस शिशुनाग वंश के उपरांत आप पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। तो कुल मिलाकर तीन राजवंशों का जो उदय हुआ वो 16 बड़े महाजनपदों के उदय होने के बाद हुआ। तो चूंकि सबसे पहली बार पढ़ेंगे हम हर्यक वंश को, फिर शिशुनाग को, और उसके बाद नंद वंश को, लेकिन अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्तियों की स्थापना का अगर श्रेय जाता है मगध को, तो वो बृहद्रथ वंश था जिसका उल्लेख महाभारत के दौरान जरासंध के पुत्र के रूप में किया गया। तो मतलब कुल मिलाकर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तीन राजवंशों को डिस्कस करेंगे कहां, पूरा का पूरा मगध साम्राज्य में। अभी आप केवल ये समझ लें कि 16 बड़े महाजनपदों के उदय होने का कारण क्या था, और 16 बड़े महाजनपदों के उदय होने के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कैसे होगी। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को ऐतिहासिक काल के रूप में रखा, क्योंकि यहां साहित्य, यहां पुरातात्विक और यहां विदेशी विवरणों की इतनी भरमार है कि आप तर्कों के माध्यम से भी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो काल जहां से पेपर में पूछा जाता है वो यही काल है, वो यही टॉपिक है, ये वही लेक्चर है जहां से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। अगर पहली बार देखने वाला बच्चा इसे बिल्कुल भी ना समझ रहा हो तो पिछले 4 वीडियो को वो देख ले, और पिछले 4 वीडियो को देखने के बाद जब एक सीरीज बनेगी, एक लिंक जब स्थापित होगा चीजों में, तो फिर समझ में आएगा कि ये 16 बड़े महाजनपद उठ खड़े कैसे हुए। तो आज यही अपने लेक्चर को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे मगध साम्राज्य के राजनीतिक विस्तार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।